के कनेक्शन करके दिखाते कि इनके कनेक्शन किस तरीके से किए जा सकते हैं। जैसे 1 गेज 2 गेज 3 गेज ये सूचे पहले हम इनके कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको, और सीटों के कनेक्शन हम बाद में करके दिखाएंगे आपको उनके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो 1 गेज की जो सीट है इसमें L1 होता है और L2 होता है। हमें L1 पे लगाना है अपना जो इनपुट होता है ना फेस, वो लगाना है, और जो हमारा आउटपुट होता है यानी कि जैसे बल्ब की वायर आती है या किसी भी चीज़ की वायर आती है उसको आउटपुट बोलते हैं। तो हमारा जैसे इनपुट है हम इसको पहले L1 में लगा लेते हैं, इसको हम L1 में लगाने के बाद में जैसे हमने यहाँ पर ये बल्ब लिया हुआ है हम इसकी वायर जो आउटपुट की बोली जाती है हम इसको L2 में लगाते हैं। जैसे कि हमने इसकी वायर L2 में लगा दी है, जैसे हमारा न्यूट्रल है ये हमारा कॉमन हो जाता है तो हम कॉमन कर देते हैं। तो जैसे कि हम न्यूट्रल है हमारा बल्ब का हम इसको कॉमन कर देते हैं। उसके बाद में जिधर से भी हम फेस लेना चाहेंगे, हमने यहाँ से फेस लिया हुआ है और न्यूट्रल, अब हम इसको ऑन कर देते हैं। स्विच हमारा ऑन था, इस वजह से बल्ब जल चुका है, ये ऑन किया हमने बल्ब जल रहा है और ऑफ करते ही बंद हो जाएगा। इसी तरह से अब हम ट्यूब गेज की कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको है? तो जैसे कि हमने L1 में यहाँ पर फेस लगाया हुआ है, इसी से लुक करके हमने इधर लगाया है L1 में ही। ये L1 में हमारा बल्ब का जो हमने बल्ब लगाया हुआ है होल्डर में इसकी वायर लगेगी, न्यूट्रल हमने कॉमन किया हुआ है। अब हम इसको लगा के देखते हैं ऐसे ही। अब हमने इसको ऐसे लगाया, हम स्विच ऑन करते हैं, हमारा ये जल चुका है, इसके कनेक्शन सही। अब हम दूसरा स्विच चेक करते हैं, इसको भी हमने इसमें लगाया, इसको भी हम ऑन करते हैं, इसके कनेक्शन भी हमारे सही है। तो इसी तरह से हमने 3-3 का जो हमारी शीट होती है यहाँ पे जो सॉकेट होता है, और ये 5-3 की शीट है हमारी जिस पे डबल सॉकेट होता है, 3-3 के सॉकेट के हमने कनेक्शन किए हुए हैं। एन साइड पे हमारा न्यूट्रल लगाया जाता है और एल साइड पे हमारा फेस लगाया जाता है। बल्ब के हमने इसमें लगाए हुए है वायर, अब हम इसको देखते हैं कनेक्शन हमारा सही है या नहीं। इसका कनेक्शन भी हमारा सही है। अब हम 5-3 की इसके शीट के कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो इसी तरह से हमने 5-3 का जो हमारी शीट होती है डबल शॉक की उसके कनेक्शन किए हैं। एल में इसी तरह से हमने फेस लगाया है, एन में हमने न्यूट्रल लगाया है। ये हमारे दोनों अर्थ के पॉइंट है, इन पे हम फिलहाल कुछ अर्थ लगा सकते हैं इन पे। ये हमारी जो शीट होती है ये आपस में जॉइंट होती है, बस दो वायर लगती है, दोनों सॉकेट खुद चलते हैं। इंडिया की तरह नहीं कि दोनों सॉकेट में फेस और न्यूट्रल लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपस में खुद ही कनेक्ट होती है बॉडी में ये। अब हम इसमें लगा के देखते हैं वायर दोनों सॉकेट काम करते हैं या नहीं। पहले में ये वाला स्विच खोलते हैं, ये हमारा सही है सॉकेट। अब हम दूसरे सॉकेट में चेक करते हैं, ये भी हमारा सॉकेट सही है, इसके कनेक्शन भी हमारे सही हो चुके हैं। तो अगर गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो जैसे कि आप अब ये देख रहे हो ये 3 गेज की हमारी सीट है जिसके हमने कनेक्शन किए हैं। ये हमारा L1 में जो फेस आया हमने वो लगाया, इसी से ही हमने लुक करके L1 में दूसरे स्विच में लगाया, इसी से ही हमने लुक करके तीसरे स्विच में लगाया L1 में। इसी तरह से यहाँ पे L1 में कनेक्शन होते हैं। इंडिया में क्या होता है जो हमारी शीट होती है उनमें लुक डलती है सीधे, उनकी जो लुक होती है सीधे होती है, यहाँ पे 3 गेज का जो शीट होती है उसकी लुक इस तरह से की जाती है। अब हम इसके चेक करते हैं सही कनेक्शन है या गलत है। हमने न्यूट्रल कॉमन किया हुआ है, बल्ब की हमारी हाफ ये रही, हम पहला स्विच खोलते हैं, हमारे इसके कनेक्शन सही है। इसी तरह हम इधर लगाते हैं L2 में, अब हम दूसरा स्विच देखते हैं, इसके कनेक्शन भी हमारे सही है। इसी तरह अब हम तीसरा स्विच देखते हैं, इसको हम ऑन करते हैं, इसके कनेक्शन भी हमारे सही है। तीनों स्विच के हमारे कनेक्शन प्रॉपर तरीके से सही हो चुके हैं। अब हम जो हमारी डबल सॉकेट है इसके बारे में बताएंगे, इसके कनेक्शन किस तरह से किए जाएंगे।
तो इसी तरह से ये हमारे तीन तीन की शीट पे जो सॉकेट लगाया जाता है वो है, और ये पांच तीन की पे जो डबल सॉकेट लगाया जाता है वो है। हमने तीन तीन के सॉकेट के कनेक्शन किए हुए हैं। ये हमारा न्यूट्रल में हमने न्यूट्रल लगाया हुआ है, एल साइड में हमने फेस लगाया हुआ है। इसी तरह से हमने इसके न्यूट्रल फेस बल्ब के इसमें लगाए हुए, इसके हमने कनेक्शन किए हुए। अब हम इसको देखते हैं ये सही है या नहीं।